नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों के लिए दोस्तों यहां पे खुशखबरी। फाइनली दोस्तों जो आपके एग्जाम डेट है 10वीं और 12वीं की, इसको यहां पे आपका चेंज कर दिया गया और इसका दोस्तों यहां पे जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपका आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे जो न्यूज़ है, जो कि आज ही की न्यूज़ है, आज यानी कि 5 नवंबर 2022 की न्यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो ऑफिशियल जो नोटिस यहां पे जारी किया गया एमपी बोर्ड के द्वारा, वो भी यहां पे आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले एमपी बोर्ड ने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया था, उसमें आपको बताया था कि जो आपकी 10वीं और 12वीं की जो आपकी बोर्ड परीक्षा है वो आपकी यहाँ पे दोस्तों फरवरी के मंथ में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फाइनल इसको यहाँ पे आपका चेंज कर दिया गया और दोस्तों अब जो आपकी बोर्ड परीक्षा है वो आपकी मार्च में आपकी आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो कि आज यानी कि शनिवार 5 नवंबर की, यहाँ पे आप देखिए 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेंगी। अधिसूचना यहाँ पे आपकी जारी हो गई है। एमपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं 1 से लेकर 31 मार्च तक होंगी। इसके बाद दोस्तों जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके 13 से लेकर 28 फरवरी में आपके आयोजित करा लिए जाएंगे। इसके बारे में दोस्तों जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको दोस्तों नोटिस देखना तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस है उसको यहाँ पे आप देखिए, ये दोस्तों आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यहाँ पे आदेश जारी किया गया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी आपको जानकारी दी गई कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है आपके 13 फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपके 28 फरवरी तक आपके चलेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आप देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि जो आपके एमपी बोर्ड की जो आपकी परीक्षा है वो दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके 13 से लेकर 28 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपकी सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि दोस्तों जो आपके थ्योरी वाले एग्जाम है वो आपके 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में आपके आयोजित कराए जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 15 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया। पहले दोस्तों जो आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही थी वो आपके लगभग 15 से लेकर 17 फरवरी से आपके आयोजित कराई जा रही थी, लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको 15 दिन का आपको समय मिल गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे दोस्तों एमपी बोर्ड के रिगार्डिंग कोई और ऑफिशियल अपडेट आएगी इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।